फिर अवसर दिया प्रभु ने आपके साथ संगति कर सकूं। दो तीन घंटे पहले मैं संघर्ष कर रहा था, पास्टर साहब कहाँ हैं, आज वो ही बोल लें, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही कंजस ऐसा लग रहा था, दम सा घुट रहा है। तो लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हिम्मत दी आपके पास फिर शेयर कर सकें। आज और कल और दिन आपके साथ हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए लगातार प्रार्थना करते रहें हमारी सेवाओं के लिए, प्रभु की इच्छा पूरी हो सके। गॉड ब्लेस। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के लहू का छिड़काव अपनी आत्मा प्राण देह और तेरे इस सभा पे छिड़कते हैं। अंधकार और दुष्ट की सारी युक्तियों को मसीह यीशु के नाम से दूर करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमसे बातें करें, हमारा विश्वास बढ़ाएं मसीह यीशु के नाम से, आमीन। जैसा कि हम प्रभु यीशु जी के अंतिम दिन जो थे क्रूस पर जाने से पहले हम उस घटनाओं को देख रहे हैं। और साल पहले और यहाँ पे साउथ में एक कन्वेंशन करनी थी, स्पेशल मीटिंग थी यही गुड फ्राइडे के लिए, फैशन डे थी। और मुझे मैंने बोला किस विषय बोल रहे हैं, उन्हें बताइए कि हम गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं। मेरे दोस्त एजुकेशन मिनिस्टर थे पंजाब के, तो उस समय पहले मेथडिस्ट चर्च में मैं बुलाया गया था गुड फ्राइडे के लिए ही। मुझे उसको एक ही शब्द आया, ये गुड फ्राइडे हमारी भलाई के लिए है। हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि आप बहुत अरसों से सुने, हम आज के जो घटना है उसमें देखेंगे कि हर दिन पाम संडे से लेकर या पैंथरी से लाजर को जीवित करने के बाद से सुंदर सुंदर घटनाएं आई हैं। आज का विषय जो हमने सुना है घटना, ये कहानी नहीं है, घटना है, हमारी शिक्षा के लिए लाभदायक है, हम इनसे सीखे। आज संडे से लेकर ये प्रोग्राम था बहुत अच्छा, मैं बीच में कोई सवाल करूं। आज क्या है कि मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय से हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु जी अपनी इस यात्रा में, इसलिए घटनाओं को हमने कोशिश की है सुनने की या सुनाने की, प्रभु यीशु एक कोढ़ी के घर में आते हैं। और पहले दिन मैंने आपको शेयर किया था, प्रभु जी ने लोगों को बुलाया, पापियों को बुलाया, कमजोरों को बुलाया, विधवाओं को, अनाथों को, कोढ़ियों को, बालकों को, ताकि परमेश्वर उनमें अपनी महिमा करे। परमेश्वर ने बुलाया गधे को ताकि उसको महिमा भी ले जाए। और कई इवेंट देखे थे शॉर्ट में, छुटकारा और उसके कपड़े डालना, उद्धार के वस्त्र पहने, एक विश्वासी तुझे इंसान सूचे गधे के समान है। और यरूशलेम के मार्ग में उनके भवन की तरफ चल पड़े और रास्ते में कपड़े और खजूरों के पत्ते बढ़ता हुआ जी। तो इसी प्रकार से आज की घटना में हम और सुंदर बात देखेंगे कि एक इसी दौरान एक कोढ़ी ने अपने घर को निमंत्रण किया। यहां लिखा है प्रभु यीशु उस घर में थे। अगर इस पे मैं बात करूं घर के बारे में, तो बहुत सारे सुना गया है यीशु मसीह उस घर में थे, सुना गया वो वचन सुना रहा, सुना वो आश्चर्य कर हो गया। आज मैं सुनाना चाहता हूं इस घर में आश्चर्य कर्म हो गया, मरकुस 2 में आश्चर्य कर्म हो गया, क्योंकि उस घर में यीशु था। तस्वीर नहीं थी, वो स्वयं
भीड़ बहुत थी और वहां आश्रय कर हुआ और उनकी आराधना का स्थान बन गया, गवाही का स्थान बन गया। आज का वो घर आपका और मेरा लेते हैं वो मेरे घर में था है। आज का भी ऐसे ही है। कोड़ी, कोड़ी के बारे में बाइबल में दर्शाते हैं, कोड़ी पाप को दर्शाता है। हम सब पापी, कोड़ी पापी थे। ये बहुत आराधना का विषय है आज का घटना। प्रभु उस घर में है, वहां एक स्त्री आती है और उसके पास एक बहुत संगमरमर का पात्र है और उसमें बहुमूल्य इत्र है। इत्रों के ऊपर मैं ज्यादा बातें करूंगा, फैल जाएगा। और उसकी कीमत कितनी है जल्दी बोलिए, कितनी? संडे स्कूल के बच्चे बताइए कितने? 300। और उनके वैल्यू कैसी थी? 300 था। और ये बताता है कि एक उस इत्र की वैल्यू ऐसी है, एक दिन के तनखा एक मजदूर मिस्त्री की कितनी होती है? लगभग 800 को 300 से गुणा कर दो कितने हो जाएंगे? हैं? 2,40,000 का इतर था वो, समझ गया? क्योंकि उन दिनों में इतर रखे जाते थे अमीर लोगों के लिए। मिस्र में जब कोई मरता था राजा तो बहुत बहुत इतर और बहुत चीजें, ये अलग सब्जेक्ट है। और ये शुरू से कैसे राजकुमारी को तैयार करने के लिए इतर लगाए जाते थे, एस्टर के लिए इतर इस्तेमाल किया गया, बहुत बड़ी सुंदर सब्जेक्ट है। ये बाइबल स्टडी का समय नहीं है, सिर्फ हम वचन के द्वारा हम क्या सीखते हैं। और इससे एक हफ्ता पहले जब लाजर को, जिसके घर में दुख था, पीड़ा थी, रोग थी, बीमारी थी, प्रभु ने देर किया थोड़ा उनके प्रार्थना का उत्तर देने में और वो उनका भाई मर भी गया और कब्र में डाला भी गया और उनका उसे निकालो पुनरुत्थान दिव्यमान जीवन देने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें पुनरुत्थान का मुंह देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा इसमें बदबू आ रही है, इसमें क्या है? बदबू आ रही है। जब वो जिंदा हुआ तो अब वो उस घर के अंदर अब मेज के पास बैठा है नजर, और अब उसकी दो बहने हैं, मार्था सेवा कर रही है, चेले भी हैं वहां पर, और मरियम वहां पर भी, ये मैल है, इत्र ले आई और उस इत्र की भी बहुत वैल्यू थी है, उसने भी इत्र को तोड़ा और सारा घर सुगंधित से भर गया, नुकसान नहीं हुआ, उसका भी लाखों का अवश्य है। और वो इधर को उस मरियम ने क्या किया, क्या किया इसको याद है? है? वो इधर कहां चला गया? क्या नुकसान हुआ उसका? नुकसान नहीं हुआ, वो सारा इधर मरियम के बालों में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को कुछ देंगे हानि नहीं है। इस कोड़ी के घर में ये स्त्री इत्र लाती है और पात्र को तोड़ती है, बगैर तोड़े तो निकला करे, और वो इत्र प्रभु के सिर पे डाल दिया। सिर पे डालने का मतलब है कि वो मेरा राजा है। जब दाऊद को अभिषेक किया तो उसके सिर पे तेल डाला, जब उसे राजा बनाया गया तो उसके सिर पे डाल कर तेल ये घोषणा कर दी कि अब दाऊद हमारा राजा है। ये स्त्री घोषणा कर रही है कि यीशु मसीह मेरा राजा है। नुकसान नहीं हुआ, और एक और खूबसूरत बात हो गई,
लोग रिसियाने लगे, कुछ कुछ कहने लगे, ये क्या कर दिया है प्रभु को देने से, अरे क्या नुकसान कर दिया। जब मैं प्रभु के पास आया था बहुत सारी बातें सुनने मिली, क्या फिल्म लेने छोड़ दी, ये छोड़ता को मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, कई गुना मेरे पास भाग आकर आ गया है। कौन है जिसे मैं लिए खेतों को परिवार को छोड़ा, कई गुना ना मिला हो। मेरा अनुभव ही प्रभु को देने से हानि नहीं होती। हम देखते हैं प्रभु जी ने जो हन्ना ने अपना बेटा प्रभु को समर्पण कर दिया, वो नबी बना तो और भी बच्चे हो गए। इस स्त्री को प्रभु ने सर्टिफिकेट दिया, जहां जहां सुसमाचार प्रचार किया जाएगा इस घटना को याद किया जाएगा। सुसमाचार में परमेश्वर की सुगंध भी है, और उस कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंधी हमारे द्वारा फैलाता है। ये खूबसूरत सुगंधी उस घर में जिसे कहा था कोड़ी होगा ये बदबू होगी, वो घर सुगंधी से भर गया। ना सिर्फ वो घर सुगंधी से भरा, वो सुगंधी घर से बाहर भी फैली होगी। कहां से सुगंधी आ रही है, और इस घर में राजाओं का राजा बैठा है, वो है जो 3 साल तक जिसके हमने आश्चर्य कर्म किया। ये वही है जो पहले संडे को गधे के बच्चे में बैठ कर आया, और कितनी महिमा हुई। वहां गधे का बच्चा भी है और गधे का बच्चा माँ भी है। हाँ, यह अलग संडे है, चाहे माँ हो चाहे बेटी हो, प्रभु उनको अपने दांत से बात कर सुगंधी फैलाना चाहता है ज्ञान की, लेकिन टूटना पड़ेगा। बाइबल में कहता है यिर्मयाह से इस भूमि को तोड़ो और इसको जोतो, फल आएगा। नीति वचन 12:11 में अपने खेत को वो हम परमेश्वर की खेती है। अपनी जुबान को तोड़ा दुहाई देने के लिए, आराधना करने के लिए। नरे दुदय दुखी अनाधना हो, वचन 35 से लिखा है टूटा मन परमेश्वर के योग्य महिमा और बलिदान है। टूटे आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए गवाही, अपनी जुबान को तोड़े, गवाही दे तुम्हारे अंदर मसीह भरा हुआ है, अंधकार है, मसीह का प्रकाश तुम्हें जमा है, सुसमाचार तुम्हारे हृदय में छपका है। गिदियन ने कहा मटकों को तोड़ो, रोशनी निकली शतक। इसलिए ये बहुत ही सुंदर बात है, ये बहुत ही अच्छी घटना है। इसने अपना बहुमूल्य कीर्तन प्रभु को दे दिया, अपने बहुत मल चेचे प्रभु को देकर देखो। मैं जब मुझे प्रभु ने बुलाया जिस रात को 18 नवंबर 1972 को, मेरी जेब में 1.05 रुपया था, ग्रेट कैलाश की W57 कोठी में रहता था, राजाओं राजा रजवाड़ों में रहता था। जब वहाँ पर एक रात उसी दिन शाम को एक बहुत बड़े बड़े प्रधानमंत्री थे, एयर मार्शल अर्जुन सिंह जहाई लोग थे, मैं उनसे खिसक गया, क्योंकि एक हफ्ता मैंने पहले बपतिस्मा लिया था, अब यहाँ मुझे भी पीना पड़ेगा, ये सब मेरे कंट्रोल में था, और मुझे बहुत सुनना पड़ा। उसी रात को उधर मेरे पीछे आ गए 50 वाले रिक्शे वालों के लिए, मैं तो उनके घर में आ गया। रात को मैंने ये चटाई ले गए, रात भर सोया रहा, गुरु जी कहाँ आ गए, बहुत सारी बातें की, और सुबह 50 पैसे मैंने रिक्शे वाले को दिए उच्चत हॉस्पिटल तक। बाकी मेरे पास एक कितने रह गए 55 पैसे। मैं गुरु जी मेरे पास 55 पैसे हैं, 7 मेरे बच्चे हैं और मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मैं आपको सौंपता हूँ। इस 53 ईयर्स में मेरे पास कोई खर्ची नहीं होने, जब मैंने कभी मांगा तो शर्मिंदगी उठानी। जब मेरी बेटी की शादी थी बलदेव के साथ, फरवरी में हमने फैसला किया इसकी शादी करनी है, और 750 रुपये घर में हैं, कैसे करेंगे। मेरी वाइफ ने हमने सोचा हमें 10,000 रुपये चाहिए, हमने प्रार्थना करने, तो उन्होंने कहा तू फरवरी के महीने में जून के पानी की चिंता क्यों करता है। मैं कह प्रभु का है यह बाबा मेरा चरवाहा है। जब हमने शादी की 20,000 रुपये भी खर्च गए और 10,000 बच भी गए, ये कौन सा हिसाब है मेरे लिए। परमेश्वर विश्वास क्यों कहते हैं, अपने बंधनों को तोड़ो, अपने बंधनों को खोलो, अपने जीवन को प्रभु को दे दो, अपने बच्चों को प्रभु को दे दो, उन चीजों से टूटो जो संसारिक चीजें हैं।
पाप है उससे आप अलग हट जाओ, अपनी खेती को 30 गुना 60 गुना फल ले आए। और समय नहीं कि मैं आपको फलों के बारे में बताऊँ, और भरपूर परमेश्वर आपके द्वारा अपनी सुगंधि को फैलाए इस मंडली के द्वारा। लेकिन टूटना पड़ेगा, टूटा हुआ पात्र गवाही देने के लिए बोले, गीतों के लिए मुंह खोले, इफ्ता मुंह खोलिए, मैं तेरा मुंह भर दूंगा, तेरे अंदर से सुगंधि निकलेगी, प्रभु की महिमा होगी और तेरे को याद किया जाएगा। जहां जहां तू प्रचार करे याद किया जाएगा। जब मैं आता हूँ, जब मैं कहीं जाता तो पता लगता है वो प्रभु का सेवक बन गया। ये कहां से हुआ? ऐसे प्रभु आपकी गवाही को हर जगह फैला देगा, लोग याद करेंगे आपकी सेवाओं को, आपके गवाही को। प्रभु आप आशीष।